Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। आपका दोस्त सुमन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया, यानी प्रकट हो गया। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वाली पतंग उड़ाने लग रहे हैं और इसका नाम है AK-47 मेरठ। आपको यकीन नहीं हो रहा है पर फ्रेंड्स यही नाम है इसका। ये देखिए ला के दिखाना। ये देखिए फ्रेंड्स, AK-47 मेरठ। आजकल देखिए क्या क्या अजीब अजीब नाम वाम रखने लग गए हैं लोग, AK-47 मेरठ। और फ्रेंड्स आजकल मांझा आ रहा है, निंजा हथौड़ी और ड्रैगन और पता नहीं बरेली लॉयन, ब्लैक पैंथर, पता नहीं क्या क्या खतरनाक नाम के मांझे आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पतंग को लड़ाएंगे। आज हवा की स्पीड बहुत अच्छी है, काफ़ी बढ़िया स्पीड है फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स हम लोग जो है फंसा के भी यानी ढील से भी लड़ाने की कोशिश करेंगे और खींच मौका मिलेगा तो खींचेंगे। जब हवा की स्पीड ज़्यादा रहती है तो फ्रेंड्स ज़्यादातर ढील से लड़ाते हैं। जो खींच के लड़ाने वाले हैं ना वो लोग बहुत मायूस होते हैं फ्रेंड्स। जब भी हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तो खींच के लड़ाने वालों की जो है ना हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए इसको अब हम उड़ाते हैं, पहले ट्राई करते हैं ठीक है कि नहीं है। ये गई हमारी पतंग। ठीक ही होगी फ्रेंड्स, मेरठ की पतंग है तो मेरठ की पतंग तो ऑलवेज़ अच्छी होती है। तो बस इतना उड़ा लिया, इतना बहुत है, इसी से ही पता लग जाएगा हमको। ठीक है। इसको उतार लेते हैं और काइट फाइटिंग करते हैं। मस्त पतंग है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग अब इसको उड़ाने लग रहे हैं और आज जो मैं मांझा यूज़ करूँगा वो भी दिखा देता हूँ। पतंग तो मेरा AK-47 है, वो आप लोगों ने देख ही लिया। अभी इसमें मांझा बचा हुआ है तो इसलिए ये मांझा जो है यही लग जाएगा। अभी काफ़ी मांझा है फ्रेंड्स, और लेकिन जो मैं बाद में मांझा यूज़ करूँगा, अगर मेरी ये पतंग कटेगी तो फिर मैं ये मांझा यूज़ करूँगा, निंजा। ये देखिए फ्रेंड्स, निंजा पतंग AK-47, मांझा निंजा, क्या बात है। तो ये गई हमारी पतंग फ्रेंड्स। पतंग बहुत मस्त है, तो चलिए अब DSLR निकालो और दिखाओ। ये देखिए जा रही है पतंग, बहुत लोहा लट है फ्रेंड्स। ये देखिए कैसे खींच रहा है, धनाधन एकदम स्पीड देखिए इसकी। ये देखिए सद्दी निकल करके चली गई आगे, और इसमें कम से कम 200-250 गज मांझा है मीटर, और अब लड़ने जा रहा है। तो DSLR निकालो फटाफट। फ्रेंड्स ये जो ऊपर से उतरी मेरी पतंग है, और ये मेरी पतंग देखिए कितनी शानदार है, और ये ओपोनेंट की पतंग जो है दूसरी वाली है, और मेरी पतंग ये जो डाउन हुई मेरी पतंग है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ढील पे ढील, काटा काटा काटा, वो देखिए उछल करके गई। छूते ही फ्रेंड्स मैंने नीचे से उसको टांग लिया और टांगते ही कट गई फ्रेंड्स मेरी पतंग। बहुत लोहा लट पतंग है, बहुत ही बढ़िया मस्त पतंग है फ्रेंड्स। वो अब देखिए जा रही है उसकी ओपोनेंट की, कट करके झूमती हुई जा रही है, लहराती बल खाती हुई। फ्रेंड्स हम लोग इस पेज को डमी से समझते हैं, और फ्रेंड्स क्या हुआ कि ओपोनेंट मेरे लेफ्ट हैंड साइड से था, और ओपोनेंट ने फ्रेंड्स जो है ऊपर से लड़ाया, मैंने नीचे से लड़ाया। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि पहले तो मैं ऊपर से आया, तो फिर फ्रेंड्स ओपोनेंट ने निकाल लिया था, आपने देखा होगा कि उसने शुरू में निकाल लिया था, और फिर उसके बाद जब मैं फिर दोबारा आया तो फ्रेंड्स उसने पहले तो ऐसे रखने के लिए किया, और जैसे मैंने ऐसे चढ़ाया तो फ्रेंड्स उसने आसमान की तरफ मुड्डा कर लिया, लेकिन मैंने थोड़ा सा खींच करके ऐसे किया और फ्रेंड्स डॉट टच होते ही उसकी कट गई। फ्रेंड्स आज हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लोहा लट स्पीड है, कम से कम कुछ नहीं तो 18 से लेकर 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स काइट फाइटिंग के लिए, इसीलिए टच होते ही कट गई। अभी फिर ऐसे लड़ाता हूँ, दो पतंग आ चुकी है, एक साथ दो पतंग आ गई है। आ गई मेरी पतंग उसके पतंग के पास। फ्रेंड्स मैं आ गया उसके ऊपर से,
उससे ढीलम पे ढील, 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 उसके कन्ने आ गए फ्रेंड्स। वो काटी, वो देखिए जा रही है, वो झूमती हुई जा रही है, लहराती बलखाती हुई जा रही है फ्रेंड्स। उसकी काट दी, मस्त पेस था फ्रेंड्स ये भी उसके। फ्रेंड्स आइए इस पेज को हम डमी से समझते हैं। ये लेफ्ट हैंड वाली पतंग मेरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ओपोनेंट राइट हैंड साइड से आया था, ओपोनेंट की ब्लू पतंग है मान लीजिए। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि वो नीचे से आया और नीचे से आ करके फ्रेंड्स उसने खींचने की कोशिश करी, मैंने पतंग थोड़ी सी उठा ली ऊपर, ऊपर उठा करके फिर से डाउन कर दिया फ्रेंड्स, तो ऐसे बाहर जैसे निकला फ्रेंड्स और ढील का पेस लग गया। और फ्रेंड्स मेरी पतंग क्या है कि हेवी पतंग है, बहुत ज़्यादा हेवी पतंग है, तो डोर बहुत तेज खींच रहा है। और फ्रेंड्स उसने भी चक्कर दिया, मैंने भी चक्कर दिया, दोनों के ही चक्कर पे थे फ्रेंड्स। और धीरे धीरे डोर खिसक करके उसके कन्ने पे आ गई, कन्ने पे आ गई, इस तरह से कन्ने पे आ गई फ्रेंड्स, उसकी पतंग जो है उछल करके निकल गई। इस बार लग रहा है तगड़ी पतंग उड़ाई है ओपोनेंट ने भी फ्रेंड्स। ओए होए होए, लग रहा है खींचेगा क्या। आ गया मैं उसके नीचे से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पहले मैं नीचे से आया था तो हटा लिया पतंग उसने, वो शायद खुद नीचे से लड़ाना चाहता है, कहाँ से लड़ाना चाहता है कुछ पता ही नहीं। आ रहा है तेज़ी से, आ जा भाई नीचे से ही आ जाना। मैं भी चढ़ के आ गया फ्रेंड्स उसके, और वो काट दी फ्रेंड्स, वो काटी, वो देखिए जा रही है। मैंने ऊपर से पेच लिया फ्रेंड्स उसके और वो काट दी, वो देखिए झूमती लहराती हुई बलखाती हुई जा रही है। बहुत बढ़िया ओपोनेंट का पेच काटा फ्रेंड्स ये ओपोनेंट अच्छा लड़ाने वाला था, लेकिन मैंने इसको जगह नहीं दिया खींचने की। वो तो खींचना चाह रहा था लेकिन जगह नहीं मिला, उसकी कट के निकल गई। वो देखिए जा रही है, काफ़ी दूर निकल गई फ्रेंड्स। वो देखिए चलती चली जा रही है, गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। फ्रेंड्स देखिए लड़ने जा रहा है, और मेरी पतंग राइट हैंड साइड पे है, ओपोनेंट की लेफ्ट हैंड साइड पे। नीचे से लड़ाएगा फ्रेंड्स, हाँ नीचे से लड़ाएगा, ला रहा है बहुत तेजी के साथ। वो काटी फ्रेंड्स, छूते ही कट रही है फ्रेंड्स, आज छूते ही कट रही है, छूते ही कट जा रही है। वो देखिए कट गई ओपोनेंट की, लपेटू, लपट जा लपट जा लपट जा लपट जा लपट जा लपट जा, बहुत तेज़ हवा है फ्रेंड्स, अगर लपट जाएगा ना तो मेरी भी चली जाएगी, जाने के चांसेस बन जाएंगे मेरी भी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ। नहीं निकल गई फ्रेंड्स, काफ़ी आगे निकल गई, बड़ा ही मस्त पेस था फ्रेंड्स। आज कोई खास नहीं हो पा रहा, छूते ही पतंग कट रही है। फ्रेंड्स आइए इस पेज को हम डमी से समझते हैं। ये लेफ्ट हैंड वाली पतंग मेरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ओपोनेंट राइट हैंड साइड से आया था, ओपोनेंट की ब्लू पतंग है मान लीजिए।
तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि वो नीचे से आया और नीचे से आ करके फ्रेंड्स उसने खींचने की कोशिश करी, मैंने पतंग थोड़ी सी उठा ली ऊपर उठा करके फिर से डाउन कर दिया फ्रेंड्स, तो ऐसे बाहर जैसे निकला फ्रेंड्स और झील का पेस लग गया। और फ्रेंड्स मेरी पतंग क्या है कि हैवी पतंग है, बहुत ज़्यादा हैवी पतंग है, तो डोर बहुत तेज खींच रहा है और फ्रेंड्स उसने भी चक्कर दिया, मैंने भी चक्कर दिया, दोनों के ही चक्कर पे थे फ्रेंड्स। और धीरे धीरे डोर खिसक करके उसके कन्ने पे आ गई इस तरह से कन्ने पे आ गई फ्रेंड्स, उसकी पतंग जो है उछल करके निकल गई। फ्रेंड्स अब हम लोग पतंग उतार ले रहे हैं और क्योंकि फ्रेंड्स धीरे धीरे सारी पतंगें उतर गई हैं और एक दो उड़ रही है फ्रेंड्स, वो छोटे बच्चों की है तो उनसे लड़ाऊंगा नहीं मैं। और बहुत तेज़ हवा होने की वजह से फ्रेंड्स सभी ने अपनी अपनी पतंगें उतार ली है, आखिरी में मेरी पतंग उतर रही है। ये देखिए सद्दी मांझे का गीट आ गया, ये देखिए सद्दी मांझे का गीट आ गया, पतंग मेरी अभी काफ़ी दूर है फ्रेंड्स, 250 मीटर कम से कम आसमान में है। अभी मैं पतंग उतार के आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त पतंग है फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम लोहा लठ पतंग है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बिल्कुल पतंग उतरने वाली है और देखिए ये आ गई बिल्कुल एकदम, बहुत लल्लन टॉप पतंग है ये, मेरठिया पतंग बहुत ही अच्छा है, AK-47 और इसमें मांझा जो लगा हुआ था पहले से ही लगा हुआ था फ्रेंड्स, निंजा था। और ये देखिए बिल्कुल एकदम उतरने वाली हो गई, घग्घा भी नहीं मारा जा रहा फ्रेंड्स, इतनी टाइट पतंग है मैं आपको बता नहीं सकता। फ्रेंड्स पतंग उतर आई मेरी और बहुत ही मस्त पतंग है, बिल्कुल एकदम साबुत उतर आई। और जिसने भी इस पतंग को बनाया है उसके फ्रेंड्स मैं थम्सअप करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन पतंग बनाया है और पतंग बहुत लोहा लट पतंग है फ्रेंड्स, गोल फरमे का पतंग है, आप देखिए पूरा एकदम गोल फरमे का पतंग है, बहुत ही मस्त पतंग है फ्रेंड्स। टच होते ही काट दिया, टच किया और काट दिया, एक ने खींचने की हिमाकत करी थी उसकी भी उछल के निकल गई। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करना, वीडियो को जो है शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर, सो मेरे को बहुत जल्दी अगली वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।